नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं अशोक कुमार अपने चैनल BSR टेक्निक में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, मैं और एक नई जानकारी आपके लिए लेकर आ गया हूँ। मैं आपको आज ये बताऊँगा कि जो सॉल्यूशन दोनों यूज किया जाता है, मोची लोग यूज करते हैं, उन दोनों सॉल्यूशन में सबसे तगड़ा कौन सा होता है और कौन सा सॉल्यूशन है जो कंपनी में यूज किया जाता है, और उस सॉल्यूशन के बारे में आपको आज मैं बताऊंगा। और ये दोनों पैर की जूतियां जो आप देख रहे हैं, उस दोनों पैर की जूतियों को मैं एक पैर की जूती एक सॉल्यूशन से और दूसरे पैर की जूती दूसरे सॉल्यूशन से चिपका के बताऊंगा आपको। और ये दिखाऊंगा मैं कि दोनों सॉल्यूशनों में तगड़ा कौन है और कितना तगड़ा है। तो दोस्त, अब वीडियो में आप पूरा बने रहिए, वीडियो स्किप ना कीजिए, पूरा लास्ट तक वीडियो देखिए ताकि आपको पूरा समझ में आ जाए। तो कृपया आप हमारी वीडियो को पूरा देखते रहिए। सबसे पहले तो हम इसकी सफाई करेंगे। ये मैंने जो अभी बॉटल्स निकाल के अपनी कटोरी में रखा है, वाटी में जो भरा है अभी हमने, तो ये थिनर है, तो थिनर से हम इसकी सफाई करेंगे, एकदम अच्छे से सफाई करेंगे ताकि ये पूरा एकदम साफ़ हो जाए और तनिक भी इसमें कुछ भी कचरा ना हो। और जब ये साफ़ हो जाएगा तो सॉल्यूशन एकदम अच्छे से काम करेगा। इस पर चाहे नॉर्मल सॉल्यूशन हो या फिर तगड़ा वाला सॉल्यूशन है, कोई भी सॉल्यूशन तभी काम करेगा जब अच्छे से इसकी सफाई हुई रहेगी। और सफाई कैसे होगी? थिनर से सफाई होगी। थिनर से जितना भी सॉल्यूशन लगा रहेगा पुराना, सब साफ़ हो जाएगा, और जितना मैल है, कचरा है, सब कुछ साफ़ हो जाएगा। इसलिए हम इसकी सफाई थिनर से करेंगे। दोस्त, एक मैं बात आपको बता दूं कि आप इस वीडियो को स्किप ना कीजिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा और ध्यान से देखिएगा, अच्छे से देखिएगा ताकि वीडियो पूरा समझ में आ जाए, तनिक भी मतलब मिस्टेक ना हो और आपको पूरा समझ में आ जाए। तो हमने इसकी सफाई की है, देख लीजिए। अब वीडियो हमने कट कर दिया है, तो ज़्यादा वीडियो लंबी ना हो इसलिए हमने इसको कट कर दिया है। तो इसकी हमने सफाई कर ली, आप देख पा रहे हैं एकदम पूरा क्लीन हो गया है, सॉल्यूशन थोड़ा भी नहीं लगा हुआ है इस पर, एकदम से एकदम क्लीन हो चुका है ये। और इसके बाद हम इसकी पेस्टिंग करेंगे, ठीक है? तो अभी एक पैर की हमने सफाई की है, अभी दूसरे पैर की सफाई करेंगे। अभी तो हमने राइट पैर के सोल को सिर्फ साफ़ किया, उसके अपर की भी हम सफाई करेंगे अभी, और वो भी हम अभी आपको दिखाएंगे वीडियो में आगे। अब ये देखिए, ये पूरा आपको हम जूम करके दिखा रहे हैं, एकदम पूरा एकदम साफ़ हो गया, कहीं भी सॉल्यूशन पुराना वाला नहीं लगा हुआ है। अभी अपर साफ करेंगे हम। ये अपर है, ऊपर का है इसके जूती के, वो सोल था, तो इसकी सफाई हम करेंगे, इसकी भी सफाई अच्छे से करेंगे। थिनर बहुत ही हार्ड होता है दोस्त, तो जहाँ आवश्यकता वहीं लगाइए, क्योंकि कलर भी उतर जाता है। इसकी सफाई हमने थोड़ी सी की है, तो जिसकी वजह से इस पे जो पॉलिश लगी हुई होती है, जो जूती बनाने में इस्तेमाल की जाती है, तो ये कलर इसका उतर गया है, आप देख पा रहे हैं कहीं कहीं ये वाइट कलर की हो गई है सोल में, तो वो थिनर के कारण हो गया है। ये थिनर बहुत ही हार्ड होता है, बहुत तगड़ा होता है, तो इसलिए हो गया है। हम इसकी भी सफाई करेंगे, अच्छे से सफाई करेंगे थिनर से, कहीं भी थोड़ा भी सॉल्यूशन नहीं लगा होना चाहिए, नहीं तो लगा रहेगा तो पेस्टिंग अच्छी नहीं होगी। देखिए, हम दोनों जूतियों को साफ़ करके दिखाएंगे आपको और बताएंगे। ये देखिए, हमने बीच में पूरी सफाई की है जूती की, लेकिन हमने वीडियो को कट कर दिया है, निकाल दिया है ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। तो ये भी सफाई देखिए हो गई है, ये पूरी सफाई जो है कि जूती की देखिए हमने कर दी है। और ये अभी मैं आगे का दिखा रहा हूँ, अभी मैं इसको चिपका के बताऊंगा, दिखाऊंगा आपको। अभी तो ये राइट पैर की जूती है, इसकी सफाई हमने की, अभी लेफ्ट पैर की जूती की सफाई करेंगे हम, जो अभी मैं दिखा रहा हूँ आपको। ये पूरा क्लीन हो गया है और इसको हमने सेट करके देख लिया है कि ये अच्छे से बैठ भी रहा है। तो अभी ये लेफ्ट पैर की जूती है, इसकी सफाई करेंगे हम, और इसको हटा देंगे और इसकी सफाई करेंगे। ये देख लीजिए, इसमें सॉल्यूशन लगा हुआ है, कचड़ा है, जितना है, जितना भी सॉल्यूशन है, कुछ भी है, तो या फिर ऑयल जैसा लगा हुआ होता है, हल्का चिपचिपा रहता है सॉल्यूशन है देसी, तो वो भी हाथ में लगता है और सॉल्यूशन को पकड़ने नहीं देता है। तो इसलिए हम इसकी अच्छे सफाई करके ही इसकी पेस्टिंग करेंगे। ये थोड़ा सा निकला हुआ है इसमें, तो इसको हम कट कर रहे हैं। ये कट करने के बाद हम इसकी सफाई करेंगे। जैसा हमने
देखा है पिछली जूती की सफाई में, उसी तरह से हम इसको भी सफाई कर लेंगे। और उसको हमने साफ़ करते समय दिखाया, तो इसलिए हम इस वीडियो को फास्ट कर लेंगे ताकि ये वीडियो जल्दी से जल्दी जो है कि ख़त्म हो जाए। देखिए इसकी भी सफाई हमने कर ली है और ये क्लीन हो गया एकदम से। चलिए वीडियो को हम थोड़ा फास्ट कर लेते हैं, जब पूरी जूती दोनों क्लीन हो जाएगी तो फिर स्लो करेंगे वीडियो को। ये देखिए हमने इसकी सफाई कर ली है, पूरा क्लीन हो गया है। और सोल की सफाई हमने की थी, आपको दिखाया था, वीडियो स्पीड कर दी थी हमने, अभी वीडियो हमने स्लो कर लिया है। अभी ये देखिए एकदम क्लीन हो गया है। अब मैं पेस्टिंग करना बताऊंगा आपको, और एक एक पैर की जूतियों की पेस्टिंग करके आपको दिखाऊँगा। ये सुलेशन देखिए, ये ग्रीन कलर के डिब्बे में है, और इसके साथ जो इसके साइड में बॉटल है पतली सी वाइट कलर की दिख रही है, वो हार्डनर है। इस सोल्यूशन मिक्स करके इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है और पूरा इसका प्रोसेस क्या है, आप वीडियो में बने रहिए, आपको पूरी वीडियो में समझ में आ जाएगा कि किस तरह से इसका इस्तेमाल किया जाता है। पहले हम इसको निकाल लेंगे सोल्यूशन को, किसी भी चीज़ में जिस चीज़ में आप लगाना चाहते हैं इसमें निकाल लीजिए, और ये भी हार्डनर इसमें मिक्स कर लीजिए। जिस क्वांटिटी में आपको लगाना है उतना आप सोल्यूशन निकाल लीजिए, और उसी हिसाब से इसमें हार्डनर डाल दीजिए। ज़्यादा हार्डनर नहीं डाला जाता है, उसके हिसाब से ही हार्डनर डाला जाता है। जैसा कि आप सोल्यूशन मेरा देख रहे हैं, हमने जितना सोल्यूशन निकाला हुआ है उसमें 10 बूंद या 15 बूंद हम ही डालेंगे इसमें, क्योंकि बहुत ही हार्ड होता है, बहुत ही तगड़ा होता है, और बहुत ज़्यादा डालने से ये सोल्यूशन ख़राब भी हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगा। तो इस तरह से जितना सोल्यूशन है आपका उसी हिसाब से इसको निकाल के इसमें मिक्स कीजिए, वो हार्डनर है। यदि हम इस सोल्यूशन का इस्तेमाल बिना हार्डनर के करेंगे तो इसका जो पावर है वो ज़्यादा नहीं रहेगा, वो बहुत ही कम रहेगा, और इस हार्डनर को डालने से इसका पावर 10 गुना तक बढ़ जाता है। तो हम सोल्यूशन में इसको मिक्स कर लेंगे, और उसके बाद जो है कि आगे प्रोसेस देखते रहिए, उसके बाद हम इसको जिस भी चीज़ की पेस्टिंग करनी है, जिस भी चीज़ में इसको लगाना है उस पर अप्लाई करेंगे। देखिए हम ब्रश से इसको लगा देंगे ताकि ये अच्छे से लग जाए। तो यह जूती में हम इसको जो है कि लगा रहे हैं, देख रहे हैं टूथ ब्रश है ये, कोई भी ख़राब टूथ ब्रश आपके पास है तो उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो इस तरह से हम इसको पूरी दोनों सोल और अपर में जूती के दोनों में अच्छे से लगाएंगे, और किसी दूसरे चीज़ से लगाएंगे तो अच्छे से लग नहीं पाएगा, इसलिए हमने टूथब्रश का इस्तेमाल किया है ताकि ये अच्छे से लग जाए, और अच्छे से इसे लग भी जाएगा क्योंकि हर जगह इसकी ये हर जगह तक पहुंच जाएगा, तो इसलिए हम टूथब्रश का इस्तेमाल कर रहे हैं। और आप देख पा रहे हैं कि हम इसको अच्छे से लगा रहे हैं पूरा अपर में और सोल में दोनों में लगा लेंगे। तो वीडियो को हम थोड़ा फास्ट कर लें ताकि वीडियो जल्दी ख़त्म भी हो जाए और ज़्यादा हमें समय भी ना वेस्ट करना पड़े वीडियो में। अभी हमने वीडियो को नॉर्मल मोड में कर दिया है, और देख रहे हैं आप कि हमने इसको लगा दिया है पूरा, ये पूरा अप्लाई हो गया है। अभी हम इसको चिपकाएंगे, अभी देखिए हम इसकी पेस्टिंग कर चुके हैं और हम इसको चिपकाएंगे, लेकिन हम ये 10 मिनट बाद इसको चिपकाएंगे, 10 मिनट बाद चिपकाएंगे। हमने वीडियो तो आपको दिखा दिया है कि हमने सोल्यूशन लगाने के बाद तुरंत इसको हम चिपका रहे हैं, लेकिन ये हम 10 मिनट छोड़ने के बाद ही इसको
हम चिपकाते हैं, क्योंकि ये सुलेशन सूख जाएगा उसके बाद हम चिपकाते हैं, और चिपकाते हैं तो इसको गर्म जब कर लेंगे तभी इसकी पेस्टिंग करेंगे, नहीं तो ये काम नहीं करेगा, क्योंकि इसका प्रोसेस ही ऐसा है कि इसको गर्म करने के बाद इसको चिपकाया जाता है, क्योंकि गर्म नहीं करेंगे तो ये काम ही नहीं करेगा। ऐसा ये बनाया गया है, ऐसा कंपनी ने इसको बनाया है, और ये बहुत ही हार्ड होता है, और जब ये जो है कि गर्म होगा तो ये बहुत ही अच्छा से काम करेगा। तो देखिए अभी हम इसको गर्म कर रहे हैं, और गर्म करने के बाद इसको हम चिपका देंगे। देखिए गर्म हो गया, अभी हम इसको चिपका रहे हैं, अच्छे से चिपका देंगे, इसको अच्छे से दबा देंगे, और कुछ भी रखने वाला होगा तो उस पर रख के थोड़े से या थोड़ी से इसको पीट देंगे ताकि ये और अच्छे से बैठ जाए, तो बैठ जाएगा तो इसकी पकड़ और भी अच्छी हो जाएगी, लेकिन हम हाथों से ही इसको दबा के जो है कि इसको चिपका दे रहे हैं। ठीक है, तो आप हथौड़ी से भी इसको पीट के बैठा सकते हैं, नहीं तो हाथों से दबा के जहाँ अच्छे से इसको साइड साइड और पूरे बीच में इसको दबा देंगे ताकि ये पूरा पकड़ ले और अच्छे से जो है कि इसकी पकड़ हो जाए। तो इस तरह से इसको हम दबा के और साइड साइड से और बीच में भी हम इसको दबा रहे हैं ताकि इसकी पकड़ अच्छी हो जाए, और उसके बाद हम देखिए मैं दोनों जूतियों को लिख दूंगा। देखिए मैं लिख रहा हूँ, ये हार्डनर की पेस्टिंग की हुई जूती है, ताकि ये समझ में आए, ये नहीं कि कंफ्यूजन हो जाए बाद में कि कौन सी जूती। देखिए ये हार्डनर पेस्टिंग हमने इस पे लिख दी है, और ये बाद में मालूम चल जाएगा कि नहीं इस जूती की पेस्टिंग हमने हार्डनर से की थी। अभी हम नॉर्मल सुलेशन की भी पेस्टिंग दिखाएंगे आपको। ये देखिए नॉर्मल सुलेशन, ये डेंड्राइट एडेसिव PC65 लिखा हुआ है इस पे, ये नॉर्मल सुलेशन होता है, नॉर्मल पेस्टिंग के लिए होता है कि थोड़ा सा कहीं भी चिपका दीजिए आप। और ये देखिए वो राइट पैर की जूती थी और ये लेफ्ट पैर की जूती है, तो इसकी अभी हम पेस्टिंग करेंगे इससे लेफ्ट पैर वाले की। दोस्तों शूज आप कोई भी हो, रेक्सिन का हो, लेदर का हो, इटालियन लेदर हो, या फिर जूती हो, कोई भी आपका जो है कि शूज हो या कुछ भी हो, तो इस सुलेशन से जो है कि पेस्टिंग मोची लोग कर देते हैं, क्योंकि उन लोगों के पास वो व्यवस्था नहीं होती है और वो सुलेशन भी नहीं होता है, उसका प्रोसेस बहुत ही लंबा होता है, तो इस सुलेशन से पेस्टिंग कर दी जाती है। तो ये काम चलाऊ सुलेशन होता है, और इससे पेस्टिंग करके कुछ समय तक चलाया जाता है, लेकिन जो हमने आपको ग्रीन कलर के डिब्बे का डेंड्राइट वाला सुलेशन आपको दिखाया था और उसके साथ हार्डनर दिखाया था, बहुत ही तगड़ा सुलेशन होता है, उससे पेस्टिंग अगर एक बार हो गई तो वो छोड़ेगा नहीं। आपका सूज जब तक यूज करना हो तब तक आप इसको यूज कर सकते हैं, ऐसा वो होता है। तो उस सुलेशन की पेस्टिंग बहुत ही तगड़ी होती है, और इस सुलेशन की पेस्टिंग नॉर्मल होती है। हमने आज वीडियो इसलिए बनाया है ताकि आपको यह मालूम चल जाए कि आप उस सुलेशन से चिपकाते हैं तो उसका रिस्पांस कैसा होता है, और इस सुलेशन से आप पेस्टिंग करवाते हैं तो इसका रिस्पांस कैसा होता है। और वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिए, और मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगा कि दोनों सुलेशन में तगड़ा कौन है, आपको दोनों जूतियों की पेस्टिंग है उसको मैं उखाड़ करके दिखाऊंगा कि देखिए कौन सा सुलेशन का पकड़ कैसा है, वो आपको लास्ट वीडियो में मालूम चलेगा। तो इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए, वीडियो को आप स्किप ना कीजिए, और वीडियो को जो कि लास्ट तक ज़रूर देखिए आप। अभी देखिए ये भी हम 10 मिनट बाद ही इसको चिपकाएंगे, वीडियो को हमने बीच से कट कर दिया है और 10 मिनट बाद इसकी हम पेस्टिंग करेंगे। अभी देखिए हम इसको चिपका ले रहे हैं, इसको भी आप जब भी चिपकाइए तो 10 मिनट 15 मिनट बाद ही चिपकाइए, थोड़ा सूख जाने के बाद ये काम करता है, तो इसको हीट नहीं करना पड़ता है, ये नॉर्मल होता है, लगाइए और 10-15 मिनट छोड़ दीजिए इसको, उसके बाद जो है कि इसको चिपका दीजिए और थोड़ी से रख के इसको थोड़ा सा पीट दीजिए ताकि और ये भी अच्छे से इसकी पकड़ बन जाए और ये भी अच्छा से काम करें। तो इसको हमने जैसा कि पहले वाले सुलेशन को हथौड़ी से नहीं पीटा था जूती को, उससे चिपकाया था, तो इसलिए हम इस सुलेशन को भी नहीं पीटेंगे और नॉर्मल ही रहने देंगे और अच्छे से दबा दबा के इसको चिपका देंगे ताकि ये पकड़ ले अच्छे से, पकड़ हो जाए इसकी। आप देख पा रहे हैं हम इसको दबा रहे हैं अच्छे से ताकि ये पकड़ ले। और उसके बाद दोस्तों मैं आपको अभी जस्ट दिखाऊंगा
दोनों जूतियों को पेस्टिंग करने के बाद 10 से 15 मिनट तक मैं छोड़ दूंगा। उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि पेस्टिंग कौन सी जूती का अच्छा तगड़ा है और कौन सी जूती का पेस्टिंग नॉर्मल है। ये वीडियो में मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगा। अभी वीडियो में आप बने रहिए, वीडियो की स्किप ना कीजिए। और इस उस सोल्यूशन से जो सोल्यूशन मैं आपको बता रहा हूँ तगड़ा है, इससे भी तगड़ा है। उस सोल्यूशन की पेस्टिंग आप करवाइए अपने शूज में, कोई भी ब्रांड का आपका शूज है तो उससे आप पेस्टिंग करवाइए और रिस्पॉन्स देखिए, आप बहुत ही तगड़ा और बहुत ही अच्छा रहता है उसका। और हर जगह नहीं मिल पाता है वो, ना हर जगह उसकी पेस्टिंग कर पाते हैं मोची लोग। तो मैंने वीडियो सिर्फ इसलिए बनाया कि यदि आपके मार्केट में उस तरह के कलाकार हैं, उस तरह के मोची लोग हैं, तो आप उस तरह का काम जो है कि करवा सकते हैं अपने शूज में या फिर जूती में या फिर जो भी आपकी चप्पल हो ब्रांडेड लेदर की, उसमें आप उसकी पेस्टिंग जो है कि करवा सकते हैं। तो देखिए, हमने राइट पैर की हार्डनर वाले सोल्यूशन से पेस्टिंग की थी, तो उस पर हमने हार्डनर पेस्टिंग लिखा था और इसकी पेस्टिंग हमने नॉर्मल सोल्यूशन से किया, तो इस जूती पे हम नॉर्मल पेस्टिंग लिख देंगे। तो दोस्त, अभी हम इसको आपको जो है कि दिखाएंगे कि किस जूती का पेस्टिंग कितना तगड़ा है। तो अभी हम आपको दिखाने जा रहे हैं। दोनों जूती आप देख पा रहे हैं, एक पर हमने नॉर्मल पेस्टिंग लिख दी है और एक पे हार्डनर पेस्टिंग लिख दी है। दोनों जूती आपके सामने हैं, अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ जिस जूती के की पेस्टिंग हमने नॉर्मल सोल्यूशन से की है उसकी, उसको हम नॉर्मल सोल्यूशन के सामने रख दे रहे हैं, और जिसकी पेस्टिंग हमने हार्डनर वाले सोल्यूशन से की है उस जूती को हमने हार्डनर वाले सोल्यूशन के सामने रख दिया है। तो दोस्त, ये हार्डनर वाली जूती है, इस जूती को आप देखिए और मैं इसको, ये देखिए, ये हार्डनर है साइड में वाइट कलर के बॉटल में, और ये हरे कलर का ये डेंड्राइट का जो है कि एडहेसिव है सोल्यूशन है, तो उसमें मिक्स करके उसको यूज किया जाता है। देखिए, हमने इसकी पेस्टिंग की है जूती की, ये राइट पैर वाली जूती थी, तो हम इसको देखिए बहुत ही ज़ोर से इसको खींच रहे हैं, उखाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसकी पेस्टिंग छोड़ नहीं रही है। और ये देखिए, हमने बहुत ही जान लगा कि इसको खींचा है, ये देखिए, इस पर हमने बहुत ही प्रेस किया तो ये हल्का सा छोड़ दिया है। और ये देखिए, हम इसका आगे का है उसको हम प्रेस कर रहे हैं, खींच रहे हैं, भारत वो छोड़ नहीं रहा है। तो इस तरह से देखिए, ये जहाँ हम आपको दिखा रहे हैं इस यहाँ पे थोड़ा सा पेस्टिंग इसका छोड़ दिया है, क्योंकि वो उसको हमने बहुत ही ज़ोर से खींचा है तो इस वहाँ पे वो छोड़ दिया है। और यहाँ पे हम देखिए, ये खींच रहे हैं आगे का पीछे का, तो ये छोड़ नहीं रहा है। तो दोस्त, आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से इस सोल्यूशन से हमने इसकी पेस्टिंग की है, तो इतना तगड़ा जो है कि इसकी पकड़ हुई है, इतनी तगड़ी इसकी पकड़ हो गई है। और नॉर्मल सोल्यूशन जब भी हम दिखाएंगे आपको जूती इसकी खींच के और दिखा देंगे आपको सामने ही, दोनों जूतियों का आप रिस्पॉन्स देख लेंगे कि किस तरह का रिस्पॉन्स जो है कि है अभी। तो ये देखिए, हम चेक कर रहे हैं इसको, और चेक करने के बाद ये जूती, इसको हम नाखून से भी उखाड़ने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन ये नहीं उखड़ रहा है। इसको देखिए, हम ये उखाड़ रहे हैं उसको खींच खींच के, और इस तरह से हम दूसरी जूती को जब करेंगे तो उसका रिस्पॉन्स क्या आता है आप सामने खुद ही खुद देख लेंगे। देखिए, अभी देखिए इसकी पेस्टिंग, देखिए एकदम से सोल में तगड़े से एकदम पकड़े हुए हैं, एकदम से चिपका हुआ है, आप देख पा रहे हैं एकदम से ये चिपक गया है। और ये देखिए, नॉर्मल पेस्टिंग वाला सोल्यूशन का भी हम देखेंगे कि क्या रिस्पॉन्स है। अभी देखिए, ये देखिए पहले से ही थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का उखड़ा हुआ नज़र आ रहा है, ये छोड़ा हुआ है। देखिए, इसको हम हल्के से प्रेस कर रहे हैं, बहुत ही हल्के से, थोड़ा सा ही इस पर जोर लगा रहे हैं, तो ये जो है कि ये पेस्टिंग इसकी छोड़ दे रही है। अभी आप देख पा रहे हैं, ये देखिए उधर भी हमने किया है, अभी इधर भी देख रहे हैं आप। तो दोस्त, अभी आप समझ पा रहे हैं, देखिए पीछे की हील भी हम खींच रहे हैं तो ये भी छोड़ रहा है। तो दोस्त, आप देख रहे हैं, इस नॉलेज के लिए हमने आपको वीडियो बनाया था कि आप जान पाएँ कि इस सोल्यूशन चिपकाने से ये सोल्यूशन कितना काम करेगा और इस सोल्यूशन से चिपकाने से ये सोल्यूशन कितना काम करेगा। तो दोस्त, दोनों सोल्यूशन का पावर आप देख पाएँ, और हमने आपके लिए वीडियो बनाया और आपको नॉलेज दी, आपने मुझे बहुत बहुत प्यार दिया और मेरी वीडियो को पूरा देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, गुड बाय।